हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं हूँ इस वक्त रायपुर के बूढ़ा तालाब में। बूढ़ा तालाब को स्वामी विवेकानंद सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। तो चलते हैं, यहाँ का व्यू दिखाता हूँ आप सभी को। तो यहाँ पर आगे बोर्ड में लिखा हुआ है कि आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं। तो दाएं साइड में है चिल्ड्रन प्ले एरिया, जो कि बहुत ही बढ़िया झूले लगे हुए हैं। तो यहाँ पर आकर बच्चों का मन बहुत ही प्रसन्न हो जाता है। तो ये सरोवर देख सकते हैं, और इसके जस्ट पीछे पर है इंडोर स्टेडियम। तो ये है स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा, जो कि 37 फीट ऊंची है, और यह लिम्का बुक रिकॉर्ड में भी दर्ज है। वाह भाई, पेड़ों का डिजाइन देख सकते हैं, एक से एक डिजाइन में बना हुआ है, जो कि बहुत ही मनमोहक दृश्य है। यहाँ पर बोट का आनंद ले सकते हैं, जो कि प्रति व्यक्ति शुल्क है 100 रुपया। तो स्वामी विवेकानंद सरोवर शहर के खास टूरिज्म स्पॉट के रूप में फेमस हो रहा है, और यहाँ पर बोटिंग का आनंद लेकर अपने पलों को यादगार बना सकते हैं। इस तालाब में बचपन में स्वामी विवेकानंद जी दोस्तों के साथ नहाने आते थे। तो स्वामी जी का ज़्यादातर बचपन रायपुर में ही बीता था, और इसी के चलते यहाँ इनकी प्रतिमा स्थापित की गई है। तो यहाँ पर शाम की लाइटिंग में पेड़ों की कलाकृतियाँ और भी ज़बरदस्त दिखाई दे रही है। तो म्यूजिकल फाउंटेन शो का इंतज़ार करते करते बहुत समय हो चुका है, और सब अलग अलग टाइम बताते हैं। कोई 7 बजे बताता है, तो कोई 7:30 बजे बताता है, अलग अलग टाइम। तो इसलिए अब यहाँ से चलते हैं आगे। तो बाहर साइड नरेंद्र सरोवर के आसपास इंडोर स्टेडियम जाने वाले रोड पर बहुत से मंदिर हैं छोटे छोटे। और नरेंद्र सरोवर में स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा पर भी लाइट देख सकते हैं। सामने है रायपुर स्मार्ट सिटी प्राइवेट लिमिटेड। तो फिर से पहुंच चुके हैं नरेंद्र सरोवर में। यहीं पर म्यूजिकल फाउंटेन शो होता है, जो कि अभी तक सही स्टार्ट नहीं हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।